हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे GFEDCBA। GFEDCBA इसका क्या मतलब होता है? द बैक्रोनिम मीन्स गर्ल फॉरगेट्स एवरीथिंग कैचेस बॉय अगेन। GFEDCBA गर्ल फॉरगेट्स एवरीथिंग डन कैचेस न्यू बॉय अगेन। न्यू इज understood. Some women have a tendency of jumping from one relationship to another, and this phrase expresses the core of the problem. However, studies indicate that men and women are equally likely to break agreements and commitments. Hindi mein agar hum baat karein, GFEDCBA, iski full form hai girl forgets everything done, catches boy again. Iska matlab hai hindi mein, ladkiyan जो होता है उसको भूल जाती हैं और एक नए लड़के को फिर से कैच कर लेती हैं। मीन्स कैचेज अ न्यू बॉय अगेन, दोबारा से फिर वो एक रिलेशन में आ जाती हैं, पहले वाले रिलेशन को भूल जाती हैं, जो भी हुआ उसका उसको भूलकर एक नए रिलेशनशिप में आ जाती हैं। लड़कियों में ये टेंडेंसी होती है। ये GFEDCBA का मतलब है हिंदी में, और इंग्लिश में गर्ल्स forgets everything, catches new boy again, मतलब जो किया everything done उसको forget means भूल जाना, भूल जाती हैं सब कुछ करके, और एक catches a new boy again। वैसे तो एक relation से दूसरे relation पे jump करना man और woman दोनों के लिए एक आम बात है या tendency है कि वो jump कर सकते हैं एक relationship से दूसरे relationship में, लेकिन GFEDCBA यहाँ पर स्पेशली इसको मेंशन किया गया है कि गर्ल्स फॉरगेट एवरीथिंग डन कैचेज न्यू बॉय अगेन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।